बाजरे की रोटी एक पारंपरिक राजस्थानी व्यंजन है, मगर उत्तर भारत में भी लोग इसे खूब चाव से खाते हैं। बाजरे के बहुत फायदे हैं। बाजरा एक अनाज है जिसकी खेती भारत में बड़े पैमाने पर की जाती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर कई तरह के अनाजों की खेती होती है। इनमें गेहूं, मक्का, चावल और बाजरा शामिल है। ये सभी हमारी मुख्य फसलें हैं और इन सभी को खाने के अपने अपने फायदे भी हैं। बाजरा ग्लूटेन फ्री होता है, जो शरीर के लिए फायदेमंद है। फाइबर से भरपूर होने की वजह से बाजरा पाचन क्रिया को सही रखता है। जिन लोगों को डायबिटीज की समस्या है, वो डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए बाजरा फ्लोर का इस्तेमाल करते हैं। वजन कम करने के लिए भी बाजरा फ्लोर का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हीं गुणों के कारण दुनिया भर में बाजरे के आटे का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में अगर आप बाजरा फ्लोर मिल का व्यवसाय करें तो आपको काफी प्रॉफिट हो सकता है। आज हम आपको इसी व्यवसाय के बारे में बताएंगे। आइए जानते हैं इस व्यवसाय में यूज होने वाली मशीन्स के बारे में। मशीन्स: वाइब्रेटिंग प्री क्लीनर, एस्पिरेटर, डी स्टोनर, डिस्क सेपरेटर, मैग्नेटिक सेपरेटर, इंपैक्ट एंटोलेटर, हैवी ड्यूटी ग्रेन पल्वराइजर मिल, प्यूरिफायर मशीन, फ्लोर सिफ्टर, फिलिंग एंड पैकिंग मशीन। अब जान लेते हैं इस व्यवसाय को हम कितने एरिया के साथ शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको लगभग 4000 से 5000 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत होगी, जिसमें से कुछ एरिया आपको अपने रॉ मटेरियल और फाइनल प्रोडक्ट को रखने के लिए जरूरत होगी। मैन पावर: किसी भी व्यवसाय को शुरू करने से पहले हमें जानकारी भी होनी चाहिए कि हमारे इस व्यवसाय को हम कितने वर्कर के साथ शुरू कर सकते हैं। बाजरा फ्लोर मिल व्यवसाय को आप 12 से 15 एम्प्लॉयज के साथ शुरू कर सकते हैं, जिसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर, सुपरवाइजर और मैनेजर शामिल हैं। रॉ मटेरियल्स: इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको रॉ मटेरियल के तौर पर बाजरा ग्रेन्स की जरूरत होगी। अब चलिए जानते हैं बाजरा फ्लोर के प्रोसेस के बारे में। प्रोसेस: सबसे पहले बाजरा ग्रेन्स को वाइब्रेटिंग प्री क्लीनर में फीड किया जाता है, जिसमें ज्यादातर इम्प्योरिटीज जैसे डस्ट, स्टिक्स, ब्रांच एक्सेट्रा दूर की जाती है। फिर अगले स्टेप में पार्शियली क्लीन्ड बाजरा को डीस्टोनर में डाला जाता है, जो बाजरा ग्रेन से स्टोन्स अलग कर देती है, और फिर बाजरा के पार्शियली क्लीन्ड ग्रेन्स को मैग्नेटिक सेपरेटर में से गुजारा जाता है, ताकि इसमें कोई मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज को रिमूव किया जा सके। अब बाजरा ग्रेन्स को डिस्क सेपरेटर से गुजारा जाता है, जो कि फॉरेन ग्रेन्स को बाजरा से अलग कर देती है। अब इन ग्रेन्स को इम्पैक्ट एंटोलेटर में फीड किया जाएगा, जहां सभी इम्प्रॉपर ग्रेन्स, इंसेक्ट एग्स इत्यादि को ब्रेक कर दिया जाता है। इसके बाद इन्हें फाइनल क्लीनिंग के लिए एस्पिरेटर में से गुजारा जाता है, जो कि इसमें मौजूद डिफेक्टिव ग्रेन्स, लीव्स जैसी लाइट इम्प्योरिटीज को रिमूव कर देती है। अब इन क्लीन बाजरा ग्रेन्स को एलिवेटर की मदद से सिलोज में और वहां से यूनिफॉर्मली ग्रेन पल्वराइजर मिल में फीड किया जाता है। ये मशीन आपके बाजरा को पूरी तरह पीस देती है और आप आटा बनाने के लिए एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं। अब आपका बाजरा दलिया की तरह हो जाएगा। इसके बाद इस ग्राइंडेड बाजरा को सिफ्टर में फीड किया जाएगा, जो बाजरा फ्लोर को रिमेनिंग लार्ज मटेरियल से अलग कर देती है। इसके बाद लार्ज अनग्राउंड मैटर और बाजरा फ्लोर को अलग अलग प्यूरिफायर मशीन में फीड किया जाता है, जो बांड को अलग कर देती है। इसके बाद फ्लोर मिल को मिलिंग, सिफ्टिंग, प्यूरिफाइंग एंड ब्लेंडिंग की प्रक्रिया से बार बार गुजारा जाता है, जब तक रिक्वायर्ड क्वांटिटी का फ्लोर न प्राप्त हो जाए। इस फ्लोर को लास्ट टाइम फ्लोर सिफ्टर में फीड किया जाएगा। फ्लोर सिफ्टर मशीन आटे को छान देती है। अब आप इसे फिलिंग एंड पैकिंग मशीन से पैक करके मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। आर रिक्वायरमेंट: अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। इस व्यवसाय के सेमी ऑटोमेटिक प्लांट के लिए आपको 15 से 20 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी लोड की जरूरत पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी: इस व्यवसाय को 200 केजी पर आर प्रोडक्शन कैपेसिटी के सेमी ऑटोमेटिक प्लांट के साथ शुरू करने के लिए टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग 36 टू 40 लाख आएगी। अब अगर प्रॉफिट की बात करें, तो अगर आप 100% कैपेसिटी पर डेली 8 घंटे की शिफ्ट में काम कर रहे हैं, तो इस हिसाब से
आप लगभग 8-10% का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अचीव कर सकते हैं। लाइसेंस रिक्वायर्ड, जीएसटी, उद्यम, FSSAI, फैक्ट्री लाइसेंस। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना PMFME एक अखिल भारतीय केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें व्यय को केंद्र और राज्य सरकार के मध्य इस प्रकार साझा किया गया है। योजना 5 वर्षों 2020-21 से 2024-25 तक के लिए लागू होगी। इसके माध्यम से 2,00,000 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्रत्यक्ष सहायता और वित्तीय, तकनीकी, विपणन और ब्रांडिंग सहायता प्राप्त होगी। साथ ही व्यक्तित्व इकाइयों को 35% तक का क्रेडिट लिंक्ड ग्रांट के रूप में अधिकतम 10,00,000 रुपए तक का अनुदान है। लाभार्थी को योगदान परियोजना लागत का न्यूनतम 10% निवेश करना होगा। समूह इकाइयों जैसे किसान उत्पादक संगठन FPO, स्वयं सहायता समूह SHG, किसान उत्पादक सहकारिता को भी पूंजी निवेश, प्रशिक्षण सहायता, विपणन के लिए क्रेडिट ग्रांट 35% तक का अनुदान प्राप्त है। स्वयं सहायता समूह SHG को SHG फेडरेशन स्तर पर प्रति सदस्य 40,000 रुपए की प्रारंभिक पूंजी देय है। योजना के अंतर्गत सामान्य अवसंरचना यथा सामान्य प्रसंस्करण सुविधा, प्रयोगशाला, उष्मायन केंद्र, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज आदि के लिए 35% क्रेडिट लिंक ग्रांट का प्रावधान है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा लागू PMFME स्कीम के साथ साथ अन्य योजनाओं जैसे ऑपरेशन ग्रीन्स आदि की विस्तृत जानकारी मंत्रालय की वेबसाइट www.mofbi.nic.in पर उपलब्ध है। PMFME एवं ऑपरेशन ग्रीन्स योजनाओं की जानकारी हेतु आप 0130-2281-089 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। खाद्य प्रसंस्करण पर उद्योगी जानकारी एवं वीडियो निफ्टम वेबसाइट के PMFME लिंक पर उपलब्ध है।